एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश में दूसरा रेल हादसा हुआ है। देर रात 2:40 पर आजमगढ़ से दिल्ली आ रही कैफियत एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 74 लोग जख्मी हो गए। ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के पीछे भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस डंपर से टकराने की वजह से ट्रेन पटरी से उतरी, वो डंपर ट्रैक पर पहले से ही पड़ा हुआ था। डंपर रेलवे ट्रैक पर चल रहे काम के लिए रेत लेकर आया था, लेकिन ट्रैक पर ही पलट गया। तो सवाल यही कि इसके बावजूद वहां से ट्रेन ये कैसे गुजरी, तो एक बड़ी लापरवाही। और ये देखिए आपके सामने ये तस्वीरें घटनास्थल की। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा यहां पर पहुंचे, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात 2:50 का वक्त था जिस वक्त ये हादसा हुआ। कैफियत एक्सप्रेस इसी डंपर से जिसको अब हटाया जा रहा है, हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है। यूपी पुलिस का दावा है कि जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है रेलवे का, ये जो बगल का इलाका देख रहे हैं जहां ये गिट्टियां वगैरह पड़ी हुई हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा था, ये डंपर यहां पे आया हुआ था। डंपर पटरी में फंस गई थी और रात में इसे यहीं से ड्राइवर छोड़ के चला गया था। यूपी पुलिस का ये कहना है कि ये डंपर रेल विभाग का है, हालांकि नॉर्थ सेंट्रल जोन के जो एनसीआर के जो सीपीआरओ हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आमने सामने की टक्कर हुई है कैफियत एक्सप्रेस और इस डंपर में। कई बार रेलवे ने बयान बदले हैं, लेकिन ये रेलवे की बड़ी लापरवाही है कि ये डंपर ट्रक जो कि बालू कैरी कर रहा था, ढो रहा था, वो पहले से यहाँ पड़ा था, उस वजह से ये कैफियत एक्सप्रेस की टक्कर हुई है। ये वो कैफियत एक्सप्रेस है जो कि आजमगढ़ से चलकर दिल्ली की तरफ जाती है। ये दो ट्रैक हैं जो आपको बताऊं कि दिल्ली हावड़ा का जो रूट है उसके दो ट्रैक दोनों बाधित हैं और इसीलिए ट्रेनों की आवाजाही बिल्कुल ठप सी हो गई है। ये तो S8 का कोच है, आगे जाएंगे ये भी स्लीपर कोच है। ऐसे भी कुछ डब्बे हैं जो कि खेत में गिर गए हैं, सामने में अगर दिख रहे होंगे खेत में सामने में गिर गए हैं। ये हादसा बहुत बड़ा नहीं था और इस वजह से क्या हुआ कि सिर्फ डिरेल हुए हैं, कुछ कुछ तो डिरेल भी नहीं हुए हैं। तो खतौली में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। ट्रैक क्लियर ना होने के बावजूद आखिर ग्रीन सिग्नल कैसे दिया जाता है ट्रेन्स को वहां से गुजरने के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे